हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड पार्ट टू। आज हम लोग देखेंगे डिस्कॉर्ड के कुछ एडवांस फीचर्स। एंड गाइस, वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू वॉच हाउ टू यूज डिस्कॉर्ड पार्ट वन। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो विदाउट एनी ड्यू कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को तो पहले डिस्कॉर्ड में लॉग इन होना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट गाइस, जब भी आप लॉग इन कर लोगे आपके डिस्कॉर्ड पे, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी का सर्वर आ गया है। तो यहाँ पे जैसे सर्वर में देखो वॉइस चैनल पे ना, वो साउंड का आइकन रहता है। तो कोई भी वॉइस चैनल आप जब भी ज्वाइन करोगे उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि रिफ्यूलिंग स्टेशन है यहाँ पे, स्टेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आता है आपका कनेक्ट टू वॉइस। उसके बाद आप दबाओगे कनेक्ट टू वॉइस पे। कनेक्ट टू वॉइस पे दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ज्वाइंड हो चुका हूँ। अगर मैं बात करता हूँ तो आप और एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि मेरे बात करने से यहाँ पे एक ग्रीन सर्कल आता है। तो गाइस, आफ्टर दैट इफ यू वांट टू डिस्कनेक्ट, यहाँ पे देखो एक कॉल काटने का साइन आता है। तो अगर वो आप दबाओगे तो वो आप वॉइस चैनल से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो गाइस, नए डिस्कॉर्ड यूजर्स के बीच में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, वो होता है आपका कौन से चैनल में क्या पोस्ट करें। लाइक फॉर सी, अगर आप कोई यूसी मैच जीतते हो तो वो जाके आप कहाँ पोस्ट करोगे। तो गाइस, अगर आप कोई मैच जीतते हो तो आप यहाँ पे एक चैनल पे आओगे, जिस चैनल का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा तो वो है आपका कस्टम रूम विनर्स। अगर आप इस रूम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बाकी लोगों ने भी यहाँ पे अपना आईडी और अपना निकनेम डाला है। तो जब भी आप कोई मैच जीतते हो तो आपको आके इस रूम पे पोस्ट करना है, इस चैनल पे। अब चैनल पे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे एथरिक दबाओगे तो यहाँ पे जो भी है अवेलेबल प्लेयर्स के लिस्ट आ जाते हैं, मतलब जो भी रूम पे है अभी के लिए। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को टैग करना चाहते हो तो उसका नाम का इनिशियल दबाने के बाद आप उसको टैग कर सकते हो सिलेक्ट करके। देन आफ्टर टैग करने के बाद जब भी आप मैसेज सेंड करोगे तो वो जो आपका दोस्त है या फिर जो जिसको भी आप टैग करना चाहते हो वो ऑटोमेटिक टैग हो जाएगा। और ये टैग फीचर गाइस, ये कैसे काम करता है हम बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक में हम ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, किसी कमेंट सेक्शन में या फिर कहीं पे भी अपने दोस्त को टैग करना चाहते हैं तो ये फीचर हम यूज़ करते हैं। बट एक चीज़ याद रखना होगा, जिस बंदे को आप टैग करना चाहते हो वो ऑलरेडी उस सर्वर में ज्वाइन रहना चाहिए। तो गाइज, अब आता है चैनल और मेंबर्स को कैसे एक्सेस करें। जैसे कि आप देख ही सकते हो राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक बटन दिखेगा, तो आप वहाँ पे जाकर अगर क्लिक करोगे तो इधर आपको जो भी है वॉइस चैनल और टेक्स्ट चैनल सब आपको अवेलेबल यहाँ पे मिल जाएगा। तो और एक चीज़ गाइज, यहाँ पे आप और एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे जो टेक्स्ट चैनल रहता है ना, टेक्स्ट चैनल में आप देखो एक हैशटैग रहता है, और जो साउंड चैनल रहता है उसके अंदर देखो आप एक साउंड वॉल्यूम का आपको दिखेगा। तो यही चीज़ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा वॉइस चैनल है और कौन सा आपका टेक्स्ट चैनल है। तो देन आते हैं अभी मेंबर्स के ऊपर। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जो भी अवेलेबल मेंबर्स ऑनलाइन है वो आप सब देख सकते हो। लेट्स सी, हम अगर स्नाइपर घोस्ट को एज ए फ्रेंड ऐड ही करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, थोड़ा नीचे जाने के बाद आप उसके डीपी के ऊपर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपका देखो यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ जाता है, तो हम लोग ऐड फ्रेंड करेंगे। ऐड फ्रेंड करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंट, ये देखो गाइस आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंट, तो हमने उनको एज ए फ्रेंड ऐड कर लिया। तो अब आता है गाइस बॉट्स के टॉपिक के ऊपर कि डिस्कॉर्ड में हम लोग बॉट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर देखा जाए तो बॉट्स बहुत काम में आते हैं। तो डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या होता है, बहुत तरीके के बॉट्स रहते हैं, बट हम लोग आज कुछ बेसिक बॉट्स कवर करेंगे जो आप बेसिकली इन जनरल चैट में या फिर सर्वर पे यूज़ करते हो। तो ऐसे कुछ बॉट्स आज हम लोग देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ करते हैं। गाइस, आप डिस्कॉर्ड पे वापस आने के बाद जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है म्यूज़िक चैनल और ग्रूवी म्यूज़िक का अलग चैनल है, तो पहले हम लोग ग्रूवी म्यूज़िक पे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों को वापस जाना है म्यूज़िक कमांड्स के ऊपर। ग्रूवी म्यूज़िक का कमांड आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग जाएंगे म्यूज़िक कमांड्स के ऊपर। म्यूज़िक कमांड पे जाने के बाद आपको टाइप करना है हाइफ़न देके, जो बेसिकली बॉर्ड का कोड होता है, हाइफ़न पी का मतलब होता है प्ले, और उसके बाद आपको गाने का नाम टाइप करना है। बेसिकली दोस्तों, ये गाना जो है यूट्यूब से प्ले होता है, तो गाना का जो नाम है वो आपको सही से डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो आफ्टर गाने का नाम डालने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी वो गाना मेरे चैनल पे ऑलरेडी प्ले होने लगा है। तो गाइज, इसका एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप यहाँ पे दोस्तों के साथ बैठ के गाने सुन सकते हो।
तो बेसिकली म्यूज़िक बॉट ऐसे ही आपको काम में लगाना है। अगर कोई आप दूसरा म्यूज़िक बॉट यूज़ कर रहे हो तो उसका कोड अलग होता है, तो वो कोड बेसिकली प्ले स्टॉप या फिर डीसी, डीसी का मतलब डिसकनेक्ट और स्टॉप, ऐसे ही कमांड्स रहता है। और अगर आप कोई दूसरा म्यूज़िक बॉट यूज़ करना चाहते हो तो या फिर आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, रादर देन हाइफन आप वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हो। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज गाइस सामने एक बहुत बड़ा गिव अवे आने वाला है हेडफोन का, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा वो गिव अवे का, हाउ टू एंटर, कैसे एंटर करना है और कैसे आपको वहाँ पर आप हेडफोन जीत सकते हो। तो एज़ यूज़ुअल थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।